क्या देश में बढ़ रहे हैं अवैध धर्मांतरण के मामले? क्या देश में चल रही है धर्मांतरण पाठशाला? क्या देश में धर्म के धंधेबाजों का खेल जारी है? क्या धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की जरूरत है? कब और कैसे धर्मांतरण के खिलाफ लाया जाएगा कानून? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्राशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्राशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। तो शिवपुरी से आज हम बात करने जा रहे हैं धर्मांतरण कानून पर, जिसकी नींव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में तो रख चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे पूरे देश भर में लागू करेंगे या नहीं? आखिरकार देश के लिए धर्मांतरण कानून क्यों जरूरी है और क्या भविष्य में पूरे देश में ये लागू हो पाएगा मोदी जी के नेतृत्व में या फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में? यही बात आज हम श्री संत बेत्राशोका जी से जानेंगे। बताइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो जो करेक्शन किए हैं जी, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है उन्नति की राह पर है जी, वो देश को देश की सब स्टेट्स में लागू होना चाहिए। देखिए, धर्म परिवर्तन जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें जो विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं या फिर मुस्लिम समाज के लोग हैं जी, जो देश में आपका जो है क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना चाहते हैं या इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है वो जो किसी को भी ये बाधित नहीं करता कि आप इसको मानिएगा। आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं। हिंदू धर्म में कहीं पर उसके लिए कंपल्शन नहीं है कि आप इसको ही मानिएगा। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म सब धर्मों का जो है आदर करता है, लेकिन पैसे के बल पर या फिर जबरन पावर से आप किसी का धर्मांतरण करते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है और ये बहुत बड़ा अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। धर्मांतरण जो है अपराध की श्रेणी में आता है। जिस तरीके से योगी जी ने यूपी में धर्मांतरण को कानून का जामा पहनाया, ये पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए और मोदी जी को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, इन मिशनरीज को जो धर्मांतरण करवाते हैं, इनको जहां से भी फंड्स आते हैं वो सोर्सेस बंद होने चाहिए, वो एनजीओस आइडेंटिफाई होने चाहिए जिनके थ्रू जो है पैसा आता है, उन एनजीओस को बंद करना चाहिए और इनके ऊपर जो है स्पेशल फोकस होना चाहिए ताकि जो है देश में धर्मांतरण करवाकर एक जो आपका जनसंख्या का जो पॉपुलेशन का जो हिंदू मुस्लिम और हिंदू क्रिश्चियंस का जो रेशियो है उसको जो है रिड्यूस ना किया जाए। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हिंदुस्तान जो है आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, तो उसको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, उसके लिए जो बाहरी ताकतें हैं जो देश को हर तरीके से डिस्टर्ब करना चाहती हैं, वो जो है एनजीओज और मिशनरीज के थ्रू जो है गरीब लोगों को आपका पैसा देकर या उनको बरगला कर या उनको फोर्सफुली जो है उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। अभी जितने केसेस धर्मांतरण के आए हैं, अगर उसको आप देखेंगे तो कानूनी वो बहुत बड़ा जुर्म है और धर्मांतरण वाकई में कानूनी जुर्म है, क्योंकि हमारे धर्म में सनातन में कहीं पे भी किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्यता नहीं है जी। आदि सनातन है, जितने धर्म हैं इस टाइम वर्तमान में जितने धर्म हैं वो सब जो हैं सनातन धर्म से निकले हैं जी। धर्म नहीं है आप जो है, धर्म तो सनातन ही है, आदि सनातन है, बाकी जो है विचारधाराएं हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे आपका इस्लाम है, मुस्लिम जिसको मुस्लिम धर्म बोलते हैं और बौद्ध हैं, ये जो है एक विचारधारा है जी।
आज मैं कोई एक नई विचारधारा लेके आता हूँ, आज मैं किसी एक नई विचारधारा को जो है अपने अनुयायियों में फैलाता हूँ, तो आस्ता आस्ता कालांतर में वो धर्म बन जाएगा। जैसे आपके ओशो, ओशो ने अपनी फिलोसफी लोगों में दी, तो आस्ता आस्ता जो है उसने धर्म का रूप ले लिया। तो ओशो के अनुयायी जो हैं अपने आप को ओशो को एक अलग, ओशो के धर्म को एक अलग धर्म लेके चलते हैं। तो ये धर्म जो है ये धर्म नहीं है, ये विचारधाराएं हैं। धर्म तो एक ही है और वो है आदि सनातन। जो लिटरेचर 5000 साल से भी पुराना है वो सिर्फ आदि सनातन का है, और किसी के पास 5000 साल से पुराना लिटरेचर नहीं है। क्रिश्चियनिटी को अगर आप देखें तो अगर उनकी जो सदी चल रही है 2021-22, तो आप 6 साल उससे पहले ले लीजिएगा तो 3000 साल के आसपास जो है क्रिश्चियनिटी को आए हुए हैं। अगर आप इस्लाम को लेते हैं तो इस्लाम को भी उनकी सदी जो चल रही है जहाँ से उनकी हिजरी स्टार्ट होती है वो भी 1460 के आसपास, तो मैक्सिमम आप उसको भी अगर 10-15 साल पहले उसको शेप लेने में अगर मानते हैं उस विचारधारा को, तो वो भी आपकी जो है 15 ज़्यादा 1600 साल पुरानी है। इसी तरीके से बौद्ध धर्म है, उसी तरीके से आप सिख धर्म अलग से नहीं है, हिंदू धर्म ही है। लेकिन हिंदू धर्म की को बचाने के लिए जो विचारधारा हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने दी जी। और गुरुओं की वाणी को एक जगह पर इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब जी का जो उन्होंने स्वरूप दिया वो जो इजी और सर्वमान्य है, तो वो अब सिख धर्म के नाम से माना जाता है। लेकिन ये भी एक विचारधारा है, धर्म सिर्फ आदि सनातन है जी। और जितने भी हैं सब विचारधाराएं हैं। विचारधारा को आप किसी से फोर्सिबली नहीं मानवा सकते। मेरी विचारधारा अगर आपको पसंद है तो आप मेरे साथ रहेंगे, लेकिन अगर मेरी विचारधारा आपको पसंद नहीं है तो आप जो है किसी और विचारधारा का भी अनुसरण कर सकते हैं। तो इसलिए जो है धर्मांतरण जो है किसी से फोर्सिबली करवाना बहुत बड़ा पाप है, और इसके ऊपर कानून बहुत जरूरी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो तो हम समझ गए कि उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी जरूरी है। और देखिए, लेकिन सर देखिए ना, बात यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने जब धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की बात की तो समाजवादी पार्टी से लेके आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी जितने भी विपक्ष में बैठे थे उन्होंने बड़ा हाव हल्ला किया। अब अगर इसे हम राष्ट्र स्तर पर अगर मोदी जी भविष्य में लाएंगे तो नो डाउट विपक्ष भी हाव हल्ला करेगा, विरोधी इसमें एक विशेष धर्म को बीच में ले आएंगे। तो इन तमाम अड़चनों को पार करते हुए क्या लगता है कि क्या मोदी जी के नेतृत्व में ये लागू हो पाएगा ये कानून, या फिर आगे किसी और, या फिर यहाँ के भी, क्योंकि भविष्य में अब मोदी जी के आगे योगी आदित्यनाथ जी को भी देखा जा रहा है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मोदी जी जितने भी विधेयक लाए हैं उससे विपक्ष और विघटनकारी ताकतों के मुखौटे उतरे हैं। बिल्कुल, जनसंख्या अधिनियम कानून से भी विपक्ष में बैठे भी विघटनकारी ताकतों के मुखौटे उतरेंगे। जनसंख्या अधिनियम कानून से भी विपक्ष में बैठे हुए लोगों के मुंह के ऊपर से और विघटनकारी ताकतों के मुखौटे उतरेंगे जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद जो लोग इसका विरोध करेंगे तो वो प्रत्यक्ष है कि वो 90% भारत की आवाम का विरोध कर रहे हैं। 10% होंगे उनके साथ में, लेकिन 90% का विरोध नहीं कर सकते जी। तो मुखौटे आस्ता आस्ता उतरेंगे, ये सब विधेयक आएंगे और इन सब विधेयक के कारण ही मुखौटे उतरेंगे, तभी जाके 2024 में आपका जो है जो प्रेडिक्शन की गई है कि एनडीए 418 प्लस आएगी लेके आएगी, वो इन मुखौटों के उतारने के बाद आवाम को जब क्लियर हो जाएगा कि कौन बंदा देश के साथ है और कौन देश के अगेंस्ट है जी। देश के अगेंस्ट चलने वाले प्रजातंत्र के कारण बिल्कुल और अवेयरनेस ना होने के कारण
अभी तक तो चल रहा था, लेकिन अब लगातार एक एक करके जब मुखौटे लोगों के उतरने शुरू हो गए हैं, वो लोग विचलित हैं कि बोलें किस पे। और उसके लिए सबसे बड़ा सुझाव है, जो देश हित और राष्ट्रहित की बात है उसको आप ओके करके, चाहे विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, उसके साथ हो और उसमें कोई त्रुटि है उसको लेके आओ सामने कि इस त्रुटि को ठीक करके इसको पारित करो। संसद में डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन आप संसद में फेस तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, वॉकआउट करके भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के चेहरों के ऊपर से मुखौटे जो हैं इन्हीं विधेयक के कारण उतरेंगे और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उनके सामने आ रही है। अपने आप को पॉजिटिव कर लें, नेगेटिव थिंकिंग जो है देश के प्रति उसके कारण वो कहीं पे भी राजनीति में उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। चलिए, तो ये आज हमने श्री संबेत अशोका जी से जाना है कि कब और कैसे धर्मांतरण के खिलाफ कानून पूरे देश में मोदी जी लेकर ना सिर्फ लेकर आएंगे बल्कि मोदी विरोधी कहीं या फिर देश विरोधी लोगों के चेहरों से भी मुखौटा उठेगा। फिलहाल देखिए धर्मांतरण के खिलाफ क्या देशव्यापी या फिर कहें कि राष्ट्र स्तर पर कानून लेकर आना चाहिए या नहीं भविष्य में, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। उसके साथ मुझे और श्री संबेत अशोका जी को भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।